हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। मैं एंजल से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मैं लेकर आई हूं कर्क राशि पर मई मंथ के लिए। ये रीडिंग मेरी पिछली वीडियो से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार मैं लेकर आई हूं कि ओरेकल कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मई मंथ के लिए, एंजल के क्या मैसेजेस है, लव मैसेजेस क्या है और क्या अफर्मेशन आपको मई मंथ में देनी चाहिए जिससे कि आप सुरक्षित रह सकें और सक्सेस को पा सकें। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो। आप अपने सन साइन के बेसिस पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि पर मई मंथ के लिए। कर्क राशि मई मंथ के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स मुझे यहाँ पर आए हैं। बहुत ही कर्क राशि की पॉजिटिव एनर्जी है, मैनिफेस्ट वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ है कर्क राशि। ओके, ओरेकल कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं अबंडेंस दिखा रहे हैं लाइफ में, और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस कम्युनिटी। गाइस, ये मुझे यहाँ पे इन तीनों कार्ड से यही गाइडेंस मिल रही है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप अपने आप को आपने लोगों से कुछ टाइम के लिए अलग हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि अंदर ही मीन्स आप दूर हो रहे हैं लोगों से, आप बहुत ज़्यादा किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं हैं। आप फ़ोन पे किसी से भी कांटेक्ट में रह सकते हैं, वीडियो कॉल से कांटेक्ट में रह सकते हैं। आपको ज़रूरत है सब किसी से बात करने की और कहीं ना कहीं अपनी बातों को शेयर करने की, क्योंकि इमोशनली मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं। एक मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको ओरेकल कार्ड्स यही गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा सोशल, ओनली फोन पर सोशल हो सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, अपनी अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए, अपनी हीलिंग करिए, अपने इमोशनल बहुत ज़्यादा आप मुझे यहाँ दिख रहे हैं तो उनको बैलेंस करने की कोशिश करिए, अपनी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करिए, खुश रहिए। आप जितना ज़्यादा खुश रहेंगे और जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बहुत आप अच्छा फील करेंगे। क्योंकि यहाँ सौरो कार्ड मुझे कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि थोड़ा नर्वस आप यहाँ पर हैं, इमोशनली हर्ट हुए हुए हैं, तो उसको जब आप बैलेंस कर लेंगे, आप अपनी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करेंगे, अपनी बात को शेयर करेंगे, खुश रहेंगे, इन्जॉय करेंगे, तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। 11 नंबर यहाँ पे एंजल का नंबर है, जो कि मुझे यहाँ क्लियरली दिखा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को खुशियों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, खुश रहें, जो आपको अच्छा लगता है वो काम करें। ज़रूरी नहीं है कि हम घर में हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, बहुत कुछ है घर में करने के लिए। जो आपको खुशी देता है वो सब करना स्टार्ट करिए। मई मंथ में आप वो सब करिए जिससे आपको हैप्पीनेस फील होती है। द फूल कार्ड और द माइजर कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि थोड़ा फाइनेंशियली टेंशन आपको है अभी यहाँ पर, और उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कर्क राशि के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, किसी से आप बात कर सकते हैं। आपको जो भी आपको गाइडेंस देंगे, आपको आपके आपको जिससे भी आपको गाइडेंस मिलेगी उससे आप कुछ सीख पाएंगे। सीख इट मीन्स कि आप जिस चीज़ में आप थोड़ा अटके हुए हैं, जिसको आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, वो आप कर पाएंगे, चाहे अपने काम में हो, चाहे अपनी डेली लाइफ में हो, आप इजीली अपने रास्तों को पाते हुए दिख पाएंगे। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती है कर्क राशि के लिए। एंजल के मैसेजेस चार कार्ड्स आए हैं अपने यहाँ। ये कार्ड बार बार आ रहा है, कट योर कोर्ड्स। हो सकता है सभी लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को नेगेटिव थॉट्स के साथ कनेक्ट करके बैठे हुए हैं,
नेगेटिव थॉट्स को कट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर जो भी पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट की मतलब प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको बहुत हावी करके रखा है अपने माइंड पे, तो उन सबको कट करके और पॉजिटिव सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंजल आपको यही मैसेज दे रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्ड मुझे यहाँ पे यही दिखा रहा है कि जैसा कि मैंने बोला कि हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो एंजल भी यही मैसेज दे रही है कि आप अट्रैक्ट करना है आपको मई मंथ में अपनी खुशियों को। सॉरी, ईयर चक्र और थर्ड आई चक्र मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है अपने इंट्यूशंस पे, अपने विश्वास करना है अपने कानों पे कि जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, वो आपके लिए बेस्ट है। तो जब आप उन पे ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। देखते हैं लव मैसेजेस कर्क राशि के लिए। ओके, गाइज, जैसा कि मुझे आपके कार्ड्स देख के ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा सा अपने आपको अकेला फील कर रहे हैं, इमोशनली इम्बैलेंस है और आपको हैप्पीनेस मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, तो कर्क राशि आपके लिए लव मैसेजेस जो आए हैं वो भी ये है कि आई मिस यू। हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो या फिर आपका पार्टनर से आप नहीं मिल पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप उन्हें मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे इस मैसेज को देख कर फील हो रहा है कि इस वजह से भी आप परेशान हैं। वन टेक्स्ट फ्रॉम यू चेंजेस माई होल मूड, तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, आपको ही शुरुआत करनी होगी। आप जब एक मैसेज करेंगे तो फिर से आपका रिलेशन अच्छा होने लगेगा, और आप मिस कर रहे हैं किसी को तो अपनी बात को कहिए, जब तक आप उन्हें कहेंगे नहीं वो कैसे समझ पाएंगे। तो आपके लिए लव मैसेजेस भी यही आया है कि आपको ही शुरुआत करनी है, आपको आगे बढ़ना है पास्ट की सारी बातों को छोड़कर। कट योर कोर्ड्स कार्ड मुझे यहाँ पे अभी ये समझा रहा है कि जिस भी रीजन से आपका ब्रेकअप हुआ था, जिस भी रीजन से आपकी कड़वाहट आई थी, उसको आपको एक मैसेज, अच्छा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज करके और उन सबको ख़त्म करके और आगे बढ़ना है। देखते हैं आपको क्या अफर्मेशन देनी चाहिए मई मंथ में, कर्क राशि को क्या अफर्मेशन देनी चाहिए मई मंथ में। आई एम यूनिक, वाओ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव आप फील कर रहे हैं, तो वो जब आप अपने आप को 21 टाइम्स डेली मई मंथ में ये अफर्मेशन देंगे कि आई एम यूनिक, तो आप अपने क्वालिटीज को पहचानने लगेंगे। गाइज, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों अफर्मेशन दूंगी ताकि आप इजीली उसको 21 डेज तक कर सकें। एक और अफर्मेशन है, आई मैनिफेस्ट वेल्थ इजीली एंड क्विकली। आप वेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरह ले सकते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आई मैनिफेस्ट लव इजीली एंड क्विकली ऐसा भी बोल सकते हैं। जो आप चाहते हैं उस तरह आप मैनिफेस्ट इन दोनों अफर्मेशन के थ्रू कर सकते हैं। ये डेली 21 टाइम्स मॉर्निंग में आपको मई मंथ में देनी है। जय, कैसा रहेगा आपका मंथ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।